Hey guys, welcome back to another video. अगर आप एक ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हो जो आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एंड मसल गेन के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी एंड आपके लाइफ टाइम के लिए आपके काम आएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। इवन अगर आपको लगता है कि आपको पता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, तो स्टिल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज पॉसिबल है कि जो आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है वो सही नहीं है, बिकॉज मोस्टली लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को गलत समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अच्छे सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हो फिटनेस के रिलेटेड, तो आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्ड जरूर सुना होगा, बट मोस्टली लोग इसको गलत समझते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड मींस कि आपको हर वर्कआउट में थोड़ा वेट ऐड करना है, एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, बिकॉज आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो। जो ओवरलोड वर्ड है ना, उसको समझते हैं कि उनको लोड इंक्रीज करना है, ओवरलोड करना है, बट ये बिल्कुल गलत है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं है। इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेट में जो लास्ट वाले अराउंड 8 रैप्स होते हैं ना, वही मैटर करते हैं मसल गेन के लिए। सो अगर आप कोई 12 रैप का सेट कर रहे हो टू फेलियर, सो जो रैप नंबर 5 टू रैप नंबर 12 है ना, वो वाले 8 रैप ही आपको मसल गेन का स्टिमुलस दे रहे हैं। जो रैप नंबर 1 टू रैप नंबर 4, वो कोई ज़्यादा आपको मसल गेन का स्टिमुलस नहीं दे रहे। सो हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपको बेंच प्रेस पे 3 सेट्स ऑफ 12 टू फेलियर करने पड़ेंगे अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हर सेट में लास्ट वाले 8 रेपिटेशंस होते हैं जो आपको मसल गेन का स्टिमुलस देते हैं। एंड अगर हम 3 सेट्स टू फेलियर कर रहे हैं 12 रेप्स के, सो इट मींस कि हर सेट में हमें 8 रेप्स मिल रहे हैं, बिकॉज 12 रेप्स हैं, तो रैप नंबर 5 टू रैप नंबर 12 हमें मिल रहा है जो हमें मसल गेन का स्टिमुलस दे रहा है। सो हर सेट में हमें 8 रेप्स मिल रहे हैं, तो 3 सेट में हमें 24 रेप्स मिल गए। सो ये 24 रेप्स हमें चाहिए टू प्रोग्रेस, एंड अगर हमें 24 से कम रेप्स मिलेंगे तो हमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। सो जैसे कि आपने वीक 1 में 3 सेट्स ऑफ 12 किए टू फेलियर, एंड आपको 24 मसल गेन को स्टिमुलेट करने वाले रेप्स मिल गए, इसके कारण आपके मसल्स में अडेप्टेशन हुई, थोड़ा बहुत मसल गेन हुआ, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एंड अब जो भी आपने वेट लिफ्ट किया, जैसे आपने 50 kg लिफ्ट किया, अब 50 kg के साथ अब आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, एंड अब आप 3 सेट्स ऑफ 12 की बजाय 3 सेट्स ऑफ 13 कर सकते हो टू फेलियर नेक्स्ट टाइम जब आप ये वर्कआउट करोगे। सो नेक्स्ट टाइम आप वर्कआउट करने आए, अगर अब आपने फिर से 3 सेट्स ऑफ 12 भी किए, तो आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। वो क्यों? बिकॉज हमने ज्यूम किया था कि हमें 24 मसल गेन को स्टिमुलेट करने वाले रेप्स चाहिए अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सो अगर अब हमारी कैपेसिटी 3 सेट्स ऑफ 13 करने की है, बट अगर हम 3 सेट्स ऑफ 12 भी करेंगे, तो आप देखो कि आप एक रेप छोड़ रहे हो। पहले जो 3 सेट्स ऑफ 12 तो हम फेलियर कर रहे थे, उसमें रेप नंबर 5 टू रेप नंबर 12 ये रेप हमें मसल गेन का स्टिमुलस दे रहे थे, बट अब जब 3 सेट्स ऑफ 13 की हमारी कैपेसिटी है, तो अब हमें रेप नंबर 6 टू रेप नंबर 13 मसल गेन का स्टिमुलस देंगे। एंड अगर हम ओनली 12 रेप्स ही कर रहे हैं पर हमारी कैपेसिटी अब 13 करने की है, तो हम ओनली 7 मसल गेन को स्टिमुलेट करने वाले रैप्स ले रहे हैं, एंड 7 into 3 सेट्स में हमें 21 स्टिमुलेटिंग रैप्स मिल रहे हैं। बट हमने पहले ज्यूम किया है कि हमें अगर 24 मसल गेन को स्टिमुलेट करने वाले रैप्स नहीं मिलेंगे तो हम नहीं प्रोग्रेस करेंगे। बट इंस्टेड अगर हम 3 सेट्स ऑफ 13 करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हैं, ताकि मसल को जो 24 मसल गेन को स्टिमुलेट करने वाले रैप्स हैं वो मिले, ताकि मसल प्रोग्रेस करता रहे। सो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि जैसे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है वैसे हम रैप्स और वेट ऐड करते रहे। सो आपको क्या करना है कि आपको अपने एफर्ट को मेंटेन रखना है, एंड अगर आप अपने एफर्ट को मेंटेन रखोगे तो खुद ब खुद प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता रहेगा एंड आपको प्रोग्रेस मिलता रहेगा। नाउ मैं एक बस एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता था, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर एक सेट को फेलियर तक पुश करना। हम एग्जांपल में ये भी ले सकते थे कि हम अगर 3 सेट्स ऑफ 12 एट 1 रेप इन रिजर्व, मींस एक रेपिटेशन फेलियर से दूर रहकर 3 सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें प्रोग्रेस मिलेगा। फिर हमें क्या करना था कि हमें हर सेट में 1 RIR 1 रेप इन रिजर्व का एफर्ट मेंटेन रखना है। सो नेक्स्ट टाइम हम जब वर्कआउट करने आएंगे, वो 3 सेट्स हम परफॉर्म करेंगे, तो जो भी हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं उससे हम 1 RIR 1 रेप इन रिजर्व पे जितने भी रेप्स लग रहे होंगे वो लगाएंगे। सो अगर हम वो करेंगे, सो अगर हम अपने एफर्ट के बारे में सोचेंगे, तो हमें खुद ब खुद प्रोग्रेसिव ओवरलोड मिलता रहेगा। कोई भी आप सेट लगाने लगते हो, तो आपको बस एक चीज सोच के लगानी है कि मैंने कितने रेपिटेशन फेलियर से दूर रहना है। जो भी कॉम्पाउंड मूवमेंट्स हैं उनमें हर सेट में 2 रेपिटेशन फेलियर से दूर हो, जो आइसोलेशन मूवमेंट है उनमें 1 रेपिटेशन फेलियर से दूर हो, एंड वीक टू वीक आपको वो जो RIR का टारगेट है, आपका रेप्स इन रिजर्व का टारगेट है, उसको मेंटेन रखना है। एंड अगर उसको आप मेंटेन रखोगे, ऑटोमेटिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपके रेपिटेशन इंक्रीज होते रहेंगे,
बॉडी को सेम स्टिमुलस मिलता रहेगा एंड आपकी बॉडी प्रोग्रेस शो करती रहेगी। नाउ एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो मैंने एग्जांपल ली वो बस आपको समझाने के लिए ली कि अगर हम 24 स्टिमुलेटिंग रेप्स ले रहे हैं तो हमें प्रोग्रेस मिलेगा, अगर उससे बिल्कुल भी कम मिलेगा तो हमें बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सो अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रेप्स नहीं इंक्रीज करोगे, अपने RIR के टारगेट को नहीं मेंटेन करोगे, तो क्या होगा, वीक टू वीक आपको कम से कम स्टिमुलस मिलता रहेगा, कम से कम मसल ग्रोथ मिलती रहेगी एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको वो जो स्टिमुलस आप दे रहे हो वो आपको बिल्कुल भी मसल गेन नहीं देगा। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के मेनली दो पर्पस है, एक तो ये आपको बताता है कि आप मसल गेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो दैट मींस कि आपके मसल्स अडेप्ट कर रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई आप रेप्स और वेट ऐड कर पा रहे हो। एंड उसके साथ साथ ये इंश्योर करता है कि आप सेम लेवल ऑफ स्टिमुलस को मेंटेन कर सको ताकि आपको सेम लेवल ऑफ मसल ग्रोथ मिलती रहे इन फ्यूचर। कीप इन माइंड कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फोर्स नहीं कर सकते हो। आप जब जिम में आते हो आप ये देखने आते हो कि क्या आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओगे कि नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, आप देखने आ रहे हो कि क्या मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड इस वीक कर पाऊंगा कि नहीं। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने नहीं आ रहे, आप उसको फोर्स नहीं करने आ रहे हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आप इस वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड तब भी कर पाओगे जब जो लास्ट वीक आपने स्टिमुलस दिया था उसके बाद अडेप्टेशन हुई, थोड़ी बहुत मसल ग्रोथ हुई एंड इस वीक बिकॉज ऑफ दैट आप थोड़ा बहुत रेप्स वगैरह ऐड कर पाओगे। बट अगर लास्ट वीक का जो स्टिमुलस था वो इनफ नहीं था आपको अडेप्ट करवाने के लिए और आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं थी आपके अडेप्टेशन को सपोर्ट करने के लिए और आपकी ट्रेनिंग एज इतनी है कि आप वीक टू वीक प्रोग्रेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर वो अडेप्टेशन नहीं हुई होंगी आफ्टर लास्ट वीक देन इस वीक आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे। सो अगर आपने लास्ट वीक 12 रेप्स किए थे फेलियर पे एंड इस वीक आपने 13 रेप्स कर दिए बट इस वीक जो आपकी फॉर्म चेंज हो गई थी आपने चीटिंग कर एक रेप ऐड कर लिया देन आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं किया। बिकॉज अगर आप ऐसे वेरिएबल्स को ऐड करते रहोगे, किसी वीक आप 2 रेपिटेशन फेलियर से दूर रह रहे हो देन किसी वीक आप 1 रेपिटेशन फेलियर से दूर रह रहे हो देन किसी दिन आपकी फॉर्म चेंज हो रही है, किसी दिन आपका जो इसेंट्रिक है वो बहुत फास्ट हो रहा है, ऐसी चीजें चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको सब चीजों को सेम रखना है एंड देन आपने देखना है कि क्या आप रेप्स ऐड कर पा रहे हो कि नहीं। एंड अगर रेप्स ऐड कर पा रहे हो तो दैट मींस कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो, दैट मींस कि थोड़ी बहुत मसल ग्रोथ हो रही है एंड उस प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कारण आप सेम लेवल ऑफ स्टिमुलस भी मेंटेन कर पा रहे हो। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, अब आपको क्लियर है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। एंड अगर कोई बंदा है जो आपके आसपास ये कहता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि आपको हर वीक वेट ऐड करना है, उसको वीडियो सेंड करो एंड उसको एजुकेट करो। दैट्स इट गाइस, आई विल मीट यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।